गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम नीतीश कुमार चंद्राकर। टुडेज टॉपिक यूनिट 5 कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट कंजेशन। व्हाट इज अ कंजेशन? इट इज अ सिचुएशन में अकर इफ यूजर सेंड डेटा एंड टू द नेटवर्क एट अ रेट ग्रेटर देन दैट अलाउड बाय नेटवर्क। कंजेशन जो होता है वो कब अकर होता है? जब किसी नेटवर्क पर उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोड पड़ता है, ठीक है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा अगर लोड आता है किसी भी नेटवर्क पर, तब क्या होता है? कंजेशन अकर होता है। तो ये होता है आपका कंजेशन। नेक्स्ट वन, कंजेशन कंट्रोल। अब कंजेशन कंट्रोल कैसे करें? तो कंजेशन कंट्रोल करने के जो तरीका होता है, इट रेफर्स अ टेक्निक एंड मैकेनिज्म दैट कैन either prevent congestion before it happens or remove congestion after it happened। इसका मतलब अगर आपके पर्टिकुलर किसी नोड पर congestion आता है तो उसको रिमूव कैसे करना है, और congestion नहीं आया है, ठीक है, before congestion तो उसको control कैसे करना है। तो इसके कुछ mechanism होते हैं। Techniques to prevent congestion, there are टू टेक्निक्स, ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, सेकंड वन इज क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल जो होता है वो होता है आपका कि किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में कंजेशन आने के पहले हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो दिस आर द वेरियस टेक्निक्स, रिट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। फर्स्ट इज रिट्रांसमिशन पॉलिसी। रिट्रांसमिशन पॉलिसी इज It is designed to optimize efficiency and at same time prevent congestion. इसका मतलब इसमें क्या होता है, सपोज कोई सेंडर है, सेंडर डेटा सेंड किया और नेटवर्क में या रिसीवर के पास रिसीव नहीं हुआ, कहीं लॉस हो गया, तो ये क्या करेगा, सेंडर रिट्रांसमिट करेगा। रिट्रांसमिट करेगा तो कंजेशन आने के चांसेस जो है ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक रिट्रांसमिशन पॉलिसी यूज करेंगे, स्पेशली डिजाइन किया जाएगा जो इस कंजेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सेकंड वन इज अ विंडो पॉलिसी। विंडो पॉलिसी इज द टाइप ऑफ विंडो एट द सेंडर मे आल्सो इफेक्ट कंजेशन। द सेलेक्टिव रिपीट विंडो इज बेटर देन गो बैक एन विंडो फॉर कंजेशन कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि सपोज कोई सेंडर है और डेस्टिनेशन रिसीवर है, ये अगर नेटवर्क है और सेंडर क्या किया, पैकेट सेंड किया, ठीक है, तो गो बैक एन में क्या होता है, जो गो बैक एन होता है इसमें मल्टीपल फ्रेम्स सेंड किया जाता है। तो उस मल्टीपल फ्रेम्स में सपोज किसी एक फ्रेम, ये आपका मल्टीपल फ्रेम है, और इस एक फ्रेम में अगर कहीं पे कोई एरर आता है तो सेंडर को क्या करना पड़ता है, रिट्रांसमिट करना पड़ता है पूरा फ्रेम, तो यहां पर कंजेशन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल फ्रेम्स सबको सेंड किया और उसमें अगर पर्टिकुलर एक फ्रेम में अगर एरर आता है तो उस पर्टिकुलर फ्रेम को क्या किया जाएगा, रिट्रांसमिट किया जाएगा, पूरे फ्रेम को नहीं किया जाएगा। तो इसमें सेलेक्टिव रिपीट जो होता है बेटर देन होता है गो बैक एन से। नेक्स्ट वन इज एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, द एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी इंप्रूव बाय द रिसीवर मे ऑल्सो अफेक्ट कंजेशन। इट इफ रिसीवर डज नॉट एक्नॉलेज एवरी पैकेट इट रिसीव्स, इट मे ऑल्सो स्लो डाउन द सेंडर एंड प्रिवेंट कंजेशन। इसका मतलब इसमें क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है और नेटवर्क के थ्रू कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, कंटिन्यूअस डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है कंटिन्यू एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। अगर किसी टाइम पे अगर रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो सेंडर जो है वो डेटा सेंड करना बंद कर देगा या स्लो कर देगा, जिससे कंजेशन जो है कंट्रोल हो जाएंगे हमारे नेटवर्क पर।
ये जो टेक्निक्स हैं, ये तीनों टेक्निक्स आपके ओपन लूप के अंदर आते हैं, कंजेशन कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज अ क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल में हम देखते हैं, ये कंजेशन कंट्रोल जो होता है वो अगर नेटवर्क में कंजेशन आ गया तब हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसके लिए टेक्निक यूज किया जाता है क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। इसमें फर्स्ट होता है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर क्या होता है? द टेक्निक ऑफ बैक प्रेशर रेफर्स अ कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच कंजेस्टेड नोड स्टॉप्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इमीडिएट अपस्ट्रीम नोड और नोड्स। इट मींस सपोज हमारे पास सेंडर है और ये रिसीवर है और एन नंबर ऑफ नोड जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। यहां से कंटिन्यू डेटा जो है वो सेंड हो रहा है नोड बाई नोड और रिसीवर एंड पर पहुंच रहा है। सपोज अगर इस वाले नोड पे एन थ्री नोड पर अगर कंजेशन अगर होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने नियरेस्ट जो नोड है उसको बैक प्रेशर देगा। बैक प्रेशर देगा तो ये जो है वो डेटा सेंड करना, ये जो नोड टू है वो नोड थ्री को डेटा सेंड करना स्टॉप कर देगा। तो ये जो है वो फिर से इसको बैक प्रेशर देगा एन वन नोड को, तो ये भी डेटा ट्रांसफर डेटा सेंड करना बंद कर देगा। फिर एन वन नोड जो है वो सेंडर को या अपने प्रीवियस नोड को बैक प्रेशर देगा और ये भी डेटा सेंड करना बंद कर देगा। तो इस तरह से हमारे नेटवर्क में क्या हो जाएगा, कंजेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगला होता है चोक पैकेट। चोक पैकेट में क्या होता है, अ चोक पैकेट इज अ पैकेट सेंड बाय द नोड टू द सोर्स टू इन्फॉर्म अबाउट कंजेशन इन चोक पैकेट मेथड। द वार्निंग इन फ्रॉम इज फ्रॉम राउटर विच हैज एनकाउंटर कंजेशन टू द सोर्स स्टेशन डायरेक्टली। इसका मतलब इसमें सेम इसी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सेंडर जो है वो पैकेट सेंड किया और ये जो है नोड के थ्रू जा रहा है। सपोज इस वाले नोड पे अगर कंजेशन कंट्रोल होता है तो ये वाला नोड जो है वो चोक पैकेट सेंड करेगा इसको सेंडर को। तो यहां पर ये चोक पैकेट सेंड कर देगा सेंडर को, तो ये डेटा सेंड करना बंद कर देगा, जो नोड है उसको डेटा सेंड करना बंद कर देगा और यहां पर हमारा कंजेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट वन होता है इम्प्लिसिट सिग्नलिंग। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है, इन दिस देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द कंजेस्टेड नोड और नोड्स एंड द सोर्स। इट मींस इसमें ये सेंडर है और ये रिसीवर है, एन नंबर ऑफ यहां पर क्या है पैकेट है। तो इसमें क्या होता है, जो नोड रहता है वो किसी भी नोड में अगर कंजेशन आता है तो वो पैकेट कंजेशन आकर का एक मैसेज सेंडर को सेंड करेगा, जिससे सेंडर जो है वो बाकी नोड को डेटा सेंड करना बंद कर देगा और हमारे नेटवर्क में कंजेशन कंट्रोल हो जाएगा। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है, द नोड दैट एक्सपीरियंसेस कंजेशन कैन एक्सप्लिसिटली सेंड सिग्नल टू द सोर्स और डेस्टिनेशन। इट मींस इसमें जो नोड रहता है वो एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, कंजेशन एक्सपीरियंस से वो क्या करेगा, पैकेट सेंड करेगा सेंडर को और सेंडर जो है वो बाकी नोड को डेटा सेंड करना बंद कर देगा, जिससे हमारे नोड में कंजेशन कंट्रोल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।